हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, होप करता हूँ आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत हो गया आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। हम लोग कटरा में हैं, कटरा में हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है सबने अपना अपना। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं धनसर बाबा, वहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे और वहाँ पे हमारा सा लंगर भी रखा है। अभी बस यहाँ से हम कैब कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो सामान लेना है हमें वो ले रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारी जो गैंग है वो साथ ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं जम्मू के रियासी सेक्टर में, एक बाबा धनसर का मंदिर है, वहाँ पर आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही मनोरम जगह है और वहाँ पर हम आपको आज भंडारा भी कराएंगे जो हमारे बड़े भैया मनीष तेजा ने ऑर्गेनाइज करवाया है। और गाइस, कल रात को इतनी जोर की बारिश हुई है, पूरी रात कल बारिश हुई है और अभी देखो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है, कितने बादल हैं ऊपर और यहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ बादलों के बीच में छुपा हुआ है, देखो कितने बादल हैं। और कल रात को मैं 4 बजे उठा था, इतनी जोर से बादल गरज रहे थे तो मैं रात को ही उठ गया था और 4 बजे से उठा हुआ हूँ आज मैं। फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं ड्राइवर कब आता है गाड़ी लेके, उसके बाद हम लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। हमारी गाड़ी जो है वो आ गई है, फटाफट से चलते हैं। अभी यहाँ से सबसे पहले हम लोग बैठेंगे, उसके बाद जो हमारा जो होटल है वहाँ रुकेंगे। मेरे को फोन का चार्जर और अपना बैग लेना है, एक वो बैग वगैरह लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। लोग अपनी जो कैब है उसमें बैठ गए हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं धनसर बाबा, जो सामान था वो मैं ले आया। सामान में मेरे को चाहिए था पावर बैंक। और गाइस यहाँ से नजारा देखो, पूरे पहाड़ पे बादल ही बादल हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त ग्रीनरी है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ ऊपर से है, पुल से उधर जाना है, वहाँ से ताराकोट मार्ग की यात्रा शुरू होती है, जो मतलब बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है, सीधा सीधा घूमना घूमना, बट ये कि 1 किलोमीटर लंबा है। घर बने हुए हैं, छोटे छोटे शॉप्स बनी हुई है यहाँ पे जो कि पहाड़ों पे है एकदम। हम सारा का सारा रास्ता जो है वो कैब से जा रहे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं धनसर बाबा और हम लोग यहाँ से आपको नीचे लेके चलेंगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतरनी पड़ेंगी, उसके बाद बाबा धनसर मंदिर आएगा जिसके बहुत ही मनोरम दृश्य हैं जो हम आपके आगे आपको दिखाएंगे। वो भी सारे हम लोग उतर रहे हैं और ये जो जगह है एकदम पहाड़ों पे है, हमें एक पहाड़ के कोने में है इस टाइम। और यहाँ पे घर बने हुए हैं, सिर्फ दो ही घर देखने को मिले, एक अच्छा है एक थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। और आप पीछे का व्यू चेक करो, कितने बादल हैं और ग्रीनरी, बहुत बढ़िया ग्रीनरी है। मैं आपको नीचे यहाँ पे दिखाऊं, मुझे यहाँ पे पानी के झरने की आवाज बहुत तेज आ रही है। पास में ही मतलब हम जहाँ पहाड़ पे हैं इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो वहाँ पे नदी है पूरी। अभी यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो छोटी सी शॉप है और ये रास्ता है, यहाँ से हमने नीचे जाना है, स्टेयर्स है, स्टेयर्स के थ्रू नीचे जाना है। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट है बहुत अच्छा, अभी देखते हैं वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ से दिखाऊंगा। और ये देखो पहाड़ों का सीन भाई साहब, मजा ही आ रहा है एकदम, इतनी ग्रीनरी देख के। हम लोग भी जा रहे हैं नीचे, क्राउड अच्छा लग रहा है देखने से कि यहाँ पे लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो अभी चलते हैं आगे। हमारी जो गैंग है वो धीरे धीरे करके आ रही है। मेरे पीछे ध्यान से देखो, नदी बह रही है और पानी का फ्लो बहुत तेज लग रहा है, यहाँ तक हमें आवाज जो है सुनाई दे रही है, जो पानी बह रहा है उसकी आवाज। और पीछे का व्यू देखो, आज भी लेकर चलेंगे। अभी विकी भैया कह रहे हैं कि हम नदी के पास भी जाएंगे, तो देखते हैं आगे, हम जरूर जाएंगे और एक बहुत अच्छा व्यू आपको कैप्चर करके दिखाएंगे। व्यू देखो कितना जबरदस्त है, बहुत मजेदार व्यू। यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया हुई है, यहाँ पे देखो ग्रीनरी है दोनों साइड और बीच में यहाँ पे बहुत अच्छा एक रूट बना दिया है, पूरा शेडेड एरिया। जब मैं बहुत पहले आता था तो मैं विकी भैया के साथ ही आता था, तो पहले ये नहीं था ना विकी भैया? पहले नहीं था, पहले सारा ओपन था ये। हाँ। सिर्फ ये सीढ़ियां जानी थी। हाँ। और दोनों तरफ यहाँ पे जो हमारे लांगुर जी है वो यहाँ पर थोड़ा सा यात्रियों के साथ खेल मटोली करते थे, उनका सामान छीन लेते थे। ये देखो यहाँ पे भी आ गए हैं, ये बैठे हमारे लांगुर जी, तो ये थोड़ा खुश हो जाते हैं कि भी हाँ भी कोई आया, कोई आया इनसे मिलने, कि मैं लोगों का सामान छीन लेते थे मतलब थोड़ा सा ऐसे। तो अब उनसे थोड़ी सी रक्षा के लिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, यहाँ के मंदिर अथॉरिटीज के द्वारा बहुत बढ़िया, तो अब ये चीज थोड़ी सी अच्छी हो गई है, तो उसे थोड़ा ना बच्चे भी घबराते थे। नीचे यहाँ पे शॉप्स भी नजर आ रही हैं, छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है जहाँ से हम प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, प्रसाद और रिफ्रेशमेंट्स है। यहाँ पे कचालू और खीरे की चाट मिलती है, जो बहुत ही चटनी है, स्पेशली जो उसमें चटनी डाली जाती है। अच्छा, वो बहुत ही मतलब की एक जमी टेस्ट बना, अगर हमें लगेगा फील होगा हम खा सके तो आपको जरूर एक बार ट्राई करें। जो स्टेयर्स वगैरह है, जो सीढ़ियाँ है वो 100 से ऊपर ही लग रही है अभी हमें, पर स्टेयर थोड़ी कम्फर्टेबल है, आपको कम्फर्टेबल उतरने में इतना दिक्कत होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा आप स्टेप उतरोगे उसके बाद पैदल चलोगे, फिर स्टेप उतरोगे पैदल चलोगे, और अगर आप पैदल चलना चाहते हो जैसे ये भैया चल रहे हैं
चल के दिखाना। ऐसे भी जा सकते हो आप ऊपर और ऐसे उतर भी सकते हो। तो धीरे धीरे करके उतर रहे हैं हम और बस पहुंचने वाले हैं नीचे। हमें मंदिर जो है दिखाई दे रहा है, फटाफट चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है श्री बाबा धनसर और मेन गेट जो है वो यहाँ से है। लोग पहुंच गए हैं, विक्की भी अंदर जा चुके हैं क्योंकि पंडित जी का बार बार कॉल आ रहा है कि यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ मेन मंदिर की जो एंट्री है। और ये चीज देख के बहुत बढ़िया लग रहा है कि सब कुछ ही इन्होंने शेडेड कर दिया। यहाँ पे देखो बंदर है छोटे छोटे। तो यहाँ से मैं अपना ब्लॉग जो है आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बंदर का थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर, हम लोग पहुँच गए थे पैदल पैदल। और यहाँ पे आकाश सिम्मी सिया भी आ गए हैं, विक्की भी आगे जा रहे हैं जो है दर्शन करने वाले हैं। तो शिवलिंग के दर्शन मैं भी कराऊंगा आपको, आप लोगों को एकदम खुले दर्शन करवाऊंगा मैं। बस पहुँचने वाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का सीन। यहाँ पे देखो त्रिशूल और यहाँ अंदर हमें जाना है। और यहाँ देखो वाटरफॉल हो रहा है, झरना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो अभी आपको पूरा दिखाऊंगा मैं, दर्शन कर लेते हैं। तो गाइस आपको दर्शन करवा रहा हूँ, आप दर्शन कर लेना। यहाँ से झुक के जाना हमें। नमस्ते पंडित जी। दर्शन कर लिए और मेन जो आपको जो वाटरफॉल जो है यहाँ पे झरना जो है वो यहाँ पे है। देखो मेरे पीछे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि शेषनाग जी बैठे हुए हैं, जैसे शेषनाग होते हैं वैसा पूरा यहाँ पे ऐसा लगेगा आपको अगर आप ध्यान से देखोगे। यहाँ पे देखो बंदर है, ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ पे। ऊपर ग्रीनरी देखो और ऊपर से पानी आ रहा है। भोग लग रहा है सामने, भोग लग गया है। अब जो है लंगर हम शुरू कर देंगे और यहाँ पे पानी ये बहुत सारे अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई है भगवान जी की, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। बहुत पुरानी पुरानी जो भगवान की मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई है। ये इसलिए आवाज़ दिखा रहे हैं क्योंकि इनको इनको जो लंगर है वो खाना है। लंगर बनवाया है वो, भोग लगाया जा रहा है, फिर सब में बरताया जाएगा। भोग लगाया जा रहा है बाबा धनसर जी को। यहाँ पे भोग लगाया जा रहा है, 5 मिनट वेट कर लो, भोग लग रहा है बाबा जी को। यहाँ पे सारे जितने भी देवी देवता हैं उनको भोग लगा रहे हैं। इधर हमारी जो टीम है वो बैठी हुई है। बाबा धनसर जी नाग देवता है, शेषनाग का अवतार है। सामने ऊपर बाबा धनसर जी का शेषनाग जी की चित्र लगा है। बासुकी नाग जो भोले बाबा जी के गले में है, बाबा धनसर जी उन्हीं के बेटे हैं, भोले बाबा के भक्त हैं। 12 साल भोले बाबा की भक्ति की, इन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर भोले बाबा जी सामने मुका में प्रकट हुए अपने परिवार के साथ। जब बाबा धनसर जी को भोले बाबा के दर्शन हुए तब उनकी जटाओं से गुप्त गंगा की धाराएं गिरी, वे जो बाहर झरने में जल देखने से गुप्त गंगा का जल बोलते हैं। बाबा धनसर जी आज भी सफल के अंदर विराजमान है, आए दिन अपने भक्तों को साक्षात नाग रूप में दर्शन भी देते हैं। आप भी बाहर जाके झील के किनारे किनारे नजर डालना, हो सकता है कि बाबा जी की कृपा से आपको बाबा जी के साक्षात नाग रूप के दर्शन हो जाए। जहाँ की सबसे बड़ी महानता की आज तक बाबा जी के चरणों से अली हाथ नहीं लौटा, आप सच्चे दिल से कोई भी जायज मनोकामना करेंगे बाबा धनसर जी आपकी मनोकामना पूरी सच्चे दरबार की जय। कुल जी जो सभा कीर्ति देख रहे हैं, सब नाग देवता जी के मंसर से बाबा धनसर जी हमारे कुल देवता है। हमारे कुल की प्रथा है कि हमारे परिवार में जब किसी के घर पर पहला पुत्र होता है तो उसकी खुशी में काफी होती बाबा जी को बैठ सकते। जैसे मंदिर का निर्माण हुआ था प्राचीन काल में, तो जब बुजुर्गों ने अपने बेटों की चढ़ाई थी, सभी प्राचीन शिलाएं बहुत वाली जितनी भी शिलाएं देख रहे हैं, जो हर साल निचला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी साल में एक बार आती है, उसके अगले दिन द्वादशी के दिन जहाँ पे मेला लगता है बाबा जी का बहुत बड़ा, उस दिन जो मूर्ति बाबा जी की भेंट की जाती है। बोलिए बाबा धनसर जी महाराज की जय। जो मंदिर है ये पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और ये बनाया नहीं है, मतलब यहाँ पे साक्षात दर्शन हुए थे बाबा धनसर जी के, नाग के रूप में यहाँ पे दर्शन हुए थे बाबा जी के। हम लोग जा रहे हैं लंगर घर, जो करवाया है वो बन रहा है और सबको बांटा जा रहा है, बताया जा रहा है। इस सामने यहाँ पे जगह है और सब लोग लंगर चख रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे पास में जो झील है, जो जहाँ से जो नदी बह रही है वो भी दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहे हैं वीडियो में। चटनी है, कटी चटनी है, ये लोकल मसालों से बनी हुई है। यहाँ पे राजमा है, यहाँ पे ये चटनी है,
राइस, ये कद्दू की सब्जी है, खट्टी होती है, थोड़ी खट्टी मीठी होती है, मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे है मीठे चावल जो बाबा जी को बहुत अच्छे लगते थे, सब ने बहुत खुश होके लंगर जो है चखा है, बहुत अच्छा लगा सबको और हमें भी बहुत अच्छा लगा। सिया सिमरन बैठी हुई है, कैसा लगा सिया सिमरन यहाँ आके? अभी यहाँ से हम नीचे जाएंगे, पूरा पानी का फ्लो दिखाऊंगा कैसे पहाड़ों के बीच में से नदी जा रही है, और फ्लो बहुत तेज है पानी का, और यहाँ पे देखो कितना तेज फ्लो है। और अभी ये जो आगे जा रहा है, मैं अभी आगे दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा पानी जो है वो यहाँ से आ रहा है और थोड़ा सा पानी जो बैक साइड से आ रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज हमने अभी दर्शन कर लिए हैं, अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं जहाँ पे नदी को देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने जूते चप्पले पहन लिए हैं, अब यहाँ से आगे जा रहे हैं, यहाँ से देखो पानी जा रहा है। हम लोग अगर जैसे कभी यात्रा करने के बाद हम लोग थक जाते थे जब पहले आते थे, तो यहाँ पे हम अपनी चप्पले उतार के सिर्फ और सिर्फ पैर डाल लेते थे अंदर। पैर डाल के जो पानी था, पानी इतना ठंडा होता है यहाँ पे कि सारी थकावट दूर हो जाती है पैर पानी में डालने पे। हम लोग अपनी चप्पले उतार के यहाँ पैर डाल के बैठ जाते थे, आज भी बैठने की कोशिश करते हैं, बैठते हैं आज। उससे क्या होता है, उससे जो थकावट होती है पैर में वो सारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पैर डाली है पानी में, और पानी बहुत ठंडा है, थोड़ी सी स्लिपरी जगह है, स्लिप ना हो जाए इसलिए उसका ध्यान दे रहे हैं, बस उस चीज का ध्यान देना थोड़ा सा कि स्लिप ना हो जाए। सबने ही एक तरह से पैर डाल लिए पानी में, और पानी बहुत ठंडा है, बहुत मजेदार पानी है। अभी हम वहाँ जाएंगे नीचे, आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, देखो कितना पानी, पानी का फ्लो कितना तेज है, वहाँ पे नदी बह रही है पूरी जो आगे से आ रही है पहाड़ों से, और पहाड़ों में ही आगे जा रही है। अभी हम वहाँ जाएंगे गाइज। अभी जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो जगह बहुत मजेदार है, ये जगह बहुत मजेदार है, और यहाँ पे मैं जब बहुत पहले आया था तब मैं जरूर नहाया था, अभी हमारा कोई सीन नहीं है ऐसे नहाने का। आपको मैं जगह दिखाता हूँ, जगह देखो आप कितनी मजेदार जगह है, सीन देखो कितना मस्त है, पहाड़ों के बीच में एकदम ग्रीनरी के बीच में, और देखो नदी बह रही है और बहुत ठंडा पानी है, देखो नीचे लोग नहा भी रहे हैं। ये वही बाणगंगा है जो बहते हुए आ रही है यहाँ से और आगे जा रही है, मैं आपको नीचे लेके जाके दिखाता हूँ। सीधा नीचे यहाँ रास्ता है, होते होते वहाँ पार करके वहाँ जाएंगे, और ग्रीनरी देखो भाई साहब कितनी जबरदस्त ग्रीनरी है, एकदम मजेदार। अभी यहाँ से नीचे चलते हैं और आपको मैं लेके जा रहा हूँ साथ, आपको सारे दर्शन करा रहा हूँ, सब कुछ एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ, और मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। गाइस हम लोग वहाँ से आए हैं ऊपर से, और अभी रास्ता कवर करते करते यहाँ से हम लोग आगे जा रहे हैं, और मेरे पीछे नज़ारा देखो, पानी देखो कितना जबरदस्त पानी आ रहा है ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, और वहाँ से बहते हुए यहाँ आगे आगे जा रही है, देखो ग्रीनरी एकदम भर भर के ग्रीनरी है, पर देखो पहाड़ों में है ना जबरदस्त सीन, मजा आ जाता है एकदम देख के, इतनी ग्रीनरी ग्रीनरी व्यू, देखो कितना जबरदस्त व्यू है यहाँ पे, है ना मजेदार, दिखाता हूँ आपको। और सीन देखो भाई साहब, ऐसे सीन बार बार देखने को नहीं मिलते लाइफ में, देखो पीछे व्यू देखो कितना तगड़ा है, राइट सीन देखो कितना जबरदस्त है, इतना तगड़ा पानी बह रहा है, पानी का फ्लो बहुत तेज है, पीछे से आ रहा है पानी बहुत स्पीड में, और मैं यहाँ पत्थर पे खड़ा हूँ, और ये आवाज़ सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, एकदम सुकून मिल रहा है कानों को, फ्लो देखो कितना तेज फ्लो है पानी का, पीछे से पानी आ रहा है बहुत तेज है, और सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पे, और ऊपर पहाड़ ही पहाड़ में से आ रहा है, और बहुत मज़ेदार जगह है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप मेरे को कमेंट करके बताना, आवाज़ सुनो कितनी ज़बरदस्त आवाज़ है। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये वही बाणगंगा है जो डायरेक्ट वैष्णो देवी से यहाँ पर आए, और मेरा दावा है अगर आप कितनी भी थकान की ना हो माता वैष्णो देवी की यात्रा से, अगर आप एक बार इस नदी में स्नान कर लेंगे तो आपकी पूरी यात्रा की जो थकान है सिर्फ 10 मिनट के स्नान से ही आपकी यात्रा की थकान दूर हो जाएगी, गारंटी है किसी दवाई की किसी भी मानमेंट की। दर्शन हो गए हैं, नदी थी वो भी हम देख आए हैं, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं ऊपर अपनी कैब के लिए, कैब से हम लोग जाएंगे अपने होटल, होटल से फिर अपनी ट्रेन है, हमारी ट्रेन शाम की है, तो शाम को हम लोग निकल जाएंगे कटरा से और ट्रेन के लिए, ट्रेन हमारी जो कटरा से है, कटरा से दिल्ली। अभी फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आपने जिस स्थान के दर्शन किए हैं वो आपकी अपने अच्छे कर्मों का फल होता है, अब हम आपको रात को जब यहाँ से जाएंगे तो एक बार फिर फिल्म में आपको जय माता दी बोलते हैं ऐसे निकलेंगे, और आपको माता रानी के दरबार से ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल सागर सचदेवा को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे किसी और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
लोग जा चुके हैं ऊपर, आकाश और मैं नीचे, तो फटाफट ऊपर चलते हैं। तो शुरू करें भागना, 1 2 3 बैगन ऊपर देखो, धूप और चेक करो वहाँ ऊपर, पहाड़ों के ऊपर बादल है और बादलों की वजह से पहाड़ जो है वो छुप गए हैं। और देखो क्या नज़ारा है भाई साहब, वो नदी जो है वो आ रही है, ये बाढ़ गंगा ही है जो आगे बहती हुई आ रही है। और चेक करो ग्रीनरी, चेक करो ग्रीनरी ग्रीनरी। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ आते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस जगह को, पहाड़ को ऐसे ये सब कूड़ा फेंक के गंदा मत करो। यहाँ देखो कितना लोगों ने खा खा के सामान फेंका हुआ है।